So good afternoon, everyone. Today we will be discussing about Sukshma Vyayam. So now we are moving towards practical. But before doing practical, we will be understanding what exactly Sukshma Vyayam is all about. So aaj ke session mein hum iska jo theory portion hai wo clear karenge, cover karenge, and then we will decide from next week onwards. Maybe we will be doing practical as well. So, what is Sukshma Vyayam? Yesterday we discussed about tri shariras. Kaun sa tha wo? Tri shariras maine aapse aapse discussion kari thi. Cross body, subtle body and casual body. Theek hai na? So, sukshma sharir is your subtle body. सूक्ष्म व्यायाम का नाम ही दिया हुआ है कि इट वर्क्स ऑन योर सटल बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज रिटन सूक्ष्म व्यायाम. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सूक्ष्म व्यायाम. व्हाई सूक्ष्म व्यायाम इज इंपॉर्टेंट. इन योगा इट इज सेड दैट मोस्ट प्रानिक ब्लॉकेजेस स्टार्ट्स इन अवर जॉइंट्स. सबसे पहले ना हम जब आसन के लिए करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई नया स्टूडेंट हमारे पास आता है ना, तो उसका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है ना. स्टिफनेस काफी ज्यादा होती है और हमारा जो मूवमेंट है ना वो कहीं ना कहीं जॉइंट से ही, बॉडी के जॉइंट से ही होता है. तो जो प्रानिक ब्लॉकेजेस है ना, प्रानिक ब्लॉकेजेस का मतलब ये है कि जो अधिकतर जो स्पेस होता है ना बॉडी के अंदर, वो जॉइंट्स पे होता है, ठीक है. नी जॉइंट ले लो या कोई भी एक्स वाई जी जॉइंट ले लो आप. तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या टॉक्सिक होता है, विच इज कॉल्ड अमा इन आयुर्वेदा, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल आप बोल लो उनको, वो एम्प्टी स्पेस में सेटल होता है बॉडी के. सो बॉडी के जॉइंट्स में भी एम्प्टी स्पेस होता है, वहां पे ये जो टॉक्सिन है ना वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई वी गेट लॉट ऑफ, यू नो, आई मीन ऑब्वियसली आर्थराइटिस की वजह से पेन होता है, बट ये जो टॉक्सिन की वजह से हमारा जो है ना कहीं स्टिफनेस बहुत बढ़ जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है डिसअप्रूव होती है, मतलब वी आर लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ आवर टिश्यू. That is why we practice सूक्ष्म व्यायाम to release any such impurities. तो वो impurities अगर release हो जाती है हमारे body से, then we become more flexible. तो थोड़ा और अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So ये हमारा एक joint है, ठीक है ना. Joint is not made up of bone. एक चीज याद रखना है, bone ही नहीं है इसमें, synovial fluid होता है. जो science वाले बंदे हैं यहाँ पे, they can easily understand, ठीक है. तो इसमें ना कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अ जॉइंट. सो वी विल रीड हियर, आवर जॉइंट्स प्रोवाइड अस विद मोबिलिटी बाय कनेक्टिंग टू बोन्स. दो बोन को कनेक्ट करना, ठीक है, अलाउइंग अस टू मूव रादर देन बीइंग अ स्टिफ लाइक अ लॉग ऑफ वुड. तो मतलब हमारा अगर जॉइंट्स नहीं होते तो हम क्या होते थे, एक मतलब एक लकड़ी के जैसे स्ट्रेट सीधा घूमना इधर उधर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना. सो दैट्स हाउ दीज जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव. Okay, it gives us mobility. ये जो है bones से नहीं बने हुए हैं. In order to, so our joints are not simply made up of bones. In order to prevent them from deteriorating due to frictions and erosions, our bones contain tissue such as cartilage, synovial fluid. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये synovial membrane है, ठीक है. Similarly, ये articular capsule है, थोड़ा सा मतलब ये आपका हो गया cartilage. तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज मतलब एक मतलब स्पंज बोलते हैं ना, लिक्विड टाइप होता है. सो इससे क्या होता है कि ये जो इरोजन या फिर डिटेरियोरेट हो जाते हैं धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आप देखोगे ओल्ड एज में क्या होता है ना, धीरे धीरे उनका घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं लोगों के. क्यों, इसका मतलब ये कि इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, और ये जो कहीं ना कहीं कार्टिलेज जो है वो, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. एंड देन ये जो बोन है एक दूसरे को टच करना शुरू कर देता है, और दिस इज द आई मीन वेरी बैड पेन. जनरली जिसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है वो सफर करते हैं. सो कहीं ना कहीं ये दोनों बोन को टच होने से कौन बचाता है, साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज जो है वो बचाते हैं हमें. इफ दिस कार्टिलेज डिप्लेट्स ड्यू टू एज, इंजरी और वेयर एंड टेयर, देन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इश्यूज लाइक जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस. तो हमें अगर अपने जॉइंट को एकदम चुस्त दुरुस्त रखना है तो वी आर सपोज टू डू सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है. एंड सूक्ष्म व्यायाम जो है इज अ वार्म अप, ठीक है. हम जो नॉर्मल एक्सरसाइज जिम में हम जो वार्म अप करते हैं ना, सिमिलरली
in sukshma in yogic practices, one has to do sukshma vyayam before starting any asana. That is key and that is very important. But warm up jo hai wo gross body pe kaam karta hai, but sukshma vyayam jo hai wo subtle body ke upar kaam karta hai, and subtle se aapka gross body ki taraf aata hai. So pranamay se annamay ki taraf jo humne kal discuss kiya tha. Now I mean you all have to relate these things. धीरे धीरे नहीं समझ में आता तो पूछ लेना मुझसे. ओके कल हमने सेम चीज डिस्कस करी, आज वापस से उसको मैं बता रहा हूँ. वाई? बिकॉज सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करें. सो सूक्ष्म एंड ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर ग्रॉस बॉडी, एंड ये कैजुअल शरीर कारण शरीर मतलब ब्लिसफुलनेस टेस्ट. तो ये फाइव जो हमने कल समझे थे ना, फाइव शीट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, अन्नमय कोच, प्राणमय कोच, मनोमय कोच, विज्ञानमय कोच एंड आनंदमय कोच. ये पांच जो आपके कोशाज है बॉडी के, शीट्स है, उसमें से आनंदमय तो ऊपर आ गया आपका कैजुअल बॉडी ब्लिसफुलनेस. उसमें तीन जो थे बीच के, कौन से प्राणमय, मनोमय एंड विज्ञानमय, ये तीनों को जो कोच है वो आपके सटल बॉडी में आते हैं. सो सूक्ष्म व्यायाम वर्क्स ऑन दोस थ्री कोशाज एंड देन इट कम्स टू ब्रॉड शीट जो कि फूड शीट आपका अन्नमय कोच होता है. तो जब तीन आपके मनोमय विज्ञानमय और प्राणमय तीन कोच जो है सटल बॉडी पे काम करके आपका ग्रॉस बॉडी पे इंपैक्ट आता है. बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप अंदर से अगर स्वस्थ हो, अंदर से खुश हो, आप हैप्पी हो, तो आपका एक्शन में दिखेगा वो चीज. इफ यू आर स्ट्रेसफुल तो आपके एक्शन में वो स्ट्रेस दिखेगा. अगर आप इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर आई मीन स्माइलिंग, आपके एक्शन में वो चीज दिखने वाली है, ठीक है. सो सिमिलरली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस बॉडी, बट अल्टीमेटली जो मेन जो टारगेट है वो आपका सटल बॉडी पे होता है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कल हमने डिस्कस किया था. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम इज अ स्पेसिफिक एंशियंट टेक्निक ऑफ योगिक पोस्चर एंड डायनामिक मूवमेंट. डायनामिक मूवमेंट इसमें बताया गया बिकॉज इसमें ना थोड़ा सूक्ष्म, जैसा सूक्ष्म बोला गया वैसा सूक्ष्म नहीं है, थोड़ा फास्ट मूवमेंट भी है, बट बेस्ड ऑन द पर्सन टू पर्सन वी यू नो चेंज द सूक्ष्म व्यायाम. धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है ना, उन्होंने ये सूक्ष्म व्यायाम को मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लेकर आए थे. टोटल सूक्ष्म व्यायाम 48 है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. 48 सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दिए थे. तो विल जस्ट रीड दिस. इट वॉज डिजाइन, डेवलप एंड इंट्रोड्यूस इनिशियली बाई महर्षि कार्तिकेय, महाराज ऑफ हिमालय. हिमालय के महाराज है महर्षि कार्तिकेय, जिन्होंने ये इनिशियली डेवलप करे थे. बट प्रोपोगेटेड बाई स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इन मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड में लाने वाले कौन है? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी. ये क्वेश्चन एक बनता है कि हु डिजाइन, डेवलप एंड इंट्रोड्यूस सूक्ष्म व्यायाम. तो इसमें कार्तिकेय महाराज का नाम आता है. बट प्रोपोगेटेड का डाला है, किसने इसका विस्तार किया कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड में, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आता है. इसमें कंफ्यूज हो गया आप ना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जगह पे महर्षि कार्तिकेयन का नाम लिख दिया तो आपका एक मार्क कटने वाला है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. स्वामी जी लॉन्च, जैसा कि मैंने बोला कि स्वामी जी लॉन्च अ बुक विद 48 टेक्निक्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम की आपको ये बुक जो है ना गूगल पे मिल जाएगी. आप जैसे आप ये मैसेज टाइप करना गूगल पे की सूक्ष्म व्यायाम बाय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो आपको एक पीडीएफ का फाइल मिल जाएगा. देखो अभी ये सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा पुराना नहीं है, ये लाइन से आपको समझ में आ जाता है. ही ट्रेंड, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ट्रेंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के गुरु थे, गुरु इन द सेंस फिजिकल एक्टिविटीज में जो थे, योगा जो भी सिखाते थे ना वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सिखाते थे. तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोपोगेट किया, मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लेट से 100 साल पुराना, और उसके पहले महर्षि कार्तिकेय 100 साल, मतलब कि 150-200 साल पुरानी ये सूक्ष्म व्यायाम है. एंशियंट टेक्निक इसको बोला जाता है, बट मेनली ये जो है ये 150-200 साल से चला आ रहा है. 200 साल थोड़ा उसके पहले आप ले लो, बिकॉज उसके पहले प्रैक्टिस होती रहेगी. तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वॉज इन्वाइटेड बाई USSR टू ट्रेन सोवियत कॉस्मोनॉट्स. तो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वैसे वहां पे सोवियत के पास में, कॉस्मोनॉट्स है, ठीक है, उनको ऐसा बोला जाता है. तो उनकी ट्रेनिंग के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां बुलाया गया था, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में रहना पड़ता है. तो उसको वहां पे रहने के लिए उनको ये है कि दिस सूक्ष्म व्यायाम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग देने के लिए उनको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां पे USSR ने इन्वाइट किया था.
He, Dhiren Brahmachari, has founded Morarji Desai National Institute of Yoga. Then, Vishvayatan Yogashram karke naam tha, usko change kar diya. So, ye found, jo Morarji Desai Institute and abhi level 1 ke jo courses aaye na, sabse pehle jo Indian government ne 2014 mein Yoga Day celebration ka announcement kiya, International Yoga Day. Uske baad, if you remember, like, they've started level 1 and level 2. Theek hai? Through QCI, Quality Control of India. Iske pehle Quality Control of India tha, baad mein Yoga Certification Board aaya. Theek hai? So, Quality of Control of India has initiated these courses through Morarji Desai National Institute of Yoga. So, purane certificates kiske paas rahenge na, to usme Morarji Desai Institute of Yoga aata hai. Ab, jo hai completely taken over by Yoga Certification Board. Iska ek alag se board jo ki Ayush Ministry ke niche bana diya gaya hai. And wo uske niche institutes jo bhi hai, PRCBs hai, they are conducting these courses. Ye aapki general knowledge ke liye maine bataya. So, Sukshma Vyayam is designed for the Sukshma Sharir or the subtle body. Ye maine aapko bata diya hai. Ab dekho, according to Bhagavad Gita, the Sukshma Sharir, subtle body is composed of mind. ये जैसे अपने को पता है कि सूक्ष्म शरीर में क्या-क्या होता है प्राणमय कोश विज्ञान मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश तो माइंड जो है वो मनोमय कोश है इंटेलिजेंस एंड ईगो जो है वो कहीं ना कहीं विज्ञानमय कोश है व्हिच कंट्रोल्स द ग्रॉस फिजिकल बॉडी एंड हेंस इट इज नेम्ड सो तो जैसे कि द वे वी विल एक्ट मतलब जो जैसा हम फील करेंगे वैसा हम एक्ट करेंगे ठीक है सो इवेंचुअली ये आपको कहीं ना कहीं ग्रॉस बॉडी के ऊपर भी बेनिफिट देने वाला है बट द मेन टारगेट इज टू फोकस ऑन योर सटल बॉडी दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड फायदे क्या क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन सबसे पहले फायदा ढूंढते हैं कि इससे मेरे को क्या मिलेगा सो अभी आपको क्या मिलेगा सूक्ष्म व्यायाम से दैट वी विल बी आई मीन लर्निंग तो सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट्स फ्रॉम क्राउन यहां से आपके हेड के ऊपर से और टोज तक सारा सूक्ष्म व्यायाम 48 जो सूक्ष्म व्यायाम है दैट इज इंक्लूडेड फ्रॉम क्राउन टू हेड टू टो आप ऐसे बोल सकते हैं क्राउन ऑफ हेड टू द टिप ऑफ टोज एंड वार्म इट अप तो इट रिमूव्स ब्लॉक एंड टाइटनेस ऑफ द मसल एंड स्ट्रेंथन्स देम मतलब हमारा जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं सपल होता है फ्लेक्सिबल होता है इससे जिससे हमारा जो मूवमेंट है ना वो कहीं ना कहीं आसान होता है ठीक है एंड दैट इज हाउ वी कैन गो इनटू डिफिकल्ट आसनास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगामेंट्स इंक्रीज बॉडी मोबिलिटी एंड मेक्स इट फ्लेक्सिबल डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड जस्ट मोर ऑफ फिजिकल लेवल पे आपको बेनिफिट इसके समझ में आ रहे हैं स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी इंक्रीज वाइटल लंग कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड्योरेंस कैपेसिटी टू विदस्टैंड वेयर एंड टेयर मतलब क्या आपको मतलब आपके जो स्टेमिना है वो कहीं ना कहीं बिल्ट होता है इससे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स आसनास एंड प्राणायाम सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आसनास कॉम्प्लेक्स आसना एंड योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट देन सूक्ष्म व्यायाम इज रिक्वायर्ड ओके सो सूक्ष्म व्यायाम इज द इनिशियल आई मीन बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर आसनास यू मस्ट डू सूक्ष्म व्यायाम एंड द बेस्ट पार्ट इज सिंस यू ऑल आर बिकमिंग योगा टीचर आई वॉन्ट टू टेल यू That सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है ना कि आप योगा ज्वाइन करने के लिए मेजरली लेडीज आती है एक तो ठीक है दूसरा सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं तीसरा आपके प्रोफेशनल्स आते हैं चौथे आपके किड्स में आते हैं पांचवा आपके सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो यू कैन नॉट टीच आसनास टू एवरीवन बिकॉज सीनियर सिटीजन्स है तो दे आर मोर लेट्स से अबव 50 और 45 ठीक है उनका बॉडी इज नॉट रेडी फॉर आसनास सो व्हाट विल यू डू You will teach them सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम में सारी टेक्निक्स है सारे ऐसी 48 सूक्ष्म व्यायाम में आपको ऐसे ऐसे मतलब जो आसन से बेनिफिट नहीं मिल पाता ना वो सूक्ष्म व्यायाम से उनको बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट रेडी टू गो इन टू डिफिकल्ट आसनास सो सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी चीज है यू कैन आस्क टू डू एनी वन इवन किड फीमेल मेल सीनियर सिटीजन प्रोफेशनल Anyone can do Sukshma Vyayam. That's the most important thing. So you have to make sure that whenever your students are doing asanas, you have to give them Sukshma Vyayam. Senior citizen, jisko kisi ko asan nahi aata hai, nahi karne ko ho raha hai, unko Sukshma Vyayam karwao. Ultimately, we are going towards pranayam and meditation. Okay. So pranayam or meditation ko ready karne ke liye ready hone ke liye, you have to first go into Sukshma Vyayam. And that's how
यू कैन गो इन प्राणायाम. सो सीनियर सिटीजन्स का आपको, आपके पास कोई स्टूडेंट है तो उनको आप सूक्ष्म व्यायाम करवाओ और उसके बाद उनको प्राणायाम करवाओ. डायरेक्ट प्राणायाम करवाओगे तो उनका ब्रीदिंग जो है वो पैटर्न कहीं ना कहीं इधर उधर है तो नहीं पॉसिबल है, बैठ नहीं पाएंगे वो, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं उनका वास नहीं होगा उस टाइम पे. सो यू हैव टू थोड़ा मूव करना पड़ेगा उनको. एंड उनको मूव करना, कोई हो सकता है 55-50-60 साल का है, 70 साल का कोई बंदा है और अभी उसके सामने ये चैलेंज है कि वो बैठ ही नहीं पा रहे प्राणायाम में. सो यू हैव टू मेक हिम रेडी फॉर दैट एंड सूक्ष्म व्यायाम विल हेल्प यू डू दैट. तीन चीजें हमें सूक्ष्म व्यायाम करने के टाइम में याद रखनी है. ब्रीदिंग पैटर्न, ओके okay. अगर ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में सूक्ष्म व्यायाम आप नहीं कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड वार्म अप. आप वार्म अप कर लो जिम में ना, वो वार्म अप ही हो गया ना आपके लिए. बट सिंस वी आर टॉकिंग, वी आर सेइंग दैट सूक्ष्म व्यायाम वर्क्स ऑन योर सटल बॉडी, तो इट हैज टू बी फोकस्ड एंड डन विथ योर ब्रीदिंग पैटर्न. नाउ कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे लेट्स से आई एम डूइंग ग्रीवा शक्ति विकासक, ठीक है. सो So my focus is on breathing, my focus is on that joint, jis joint, griva is nothing but your neck. So main neck ka sukshma vyayam kar raha hu, so mera focus khali neck pe hona chahiye, my focus will not go anywhere aur meri breathing jo hai pattern chalta rahega ki inhale karna hai, exhale karna hai. So these two things are important and that's how it becomes an actual sukshma vyayam. Ab aa jao aap, what do you call ये जो name है ना joints के, ये आपको याद रखने हैं. Because जब हम नाम लेंगे ना, मैं नाम लेके बोलूंगा, जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक नाम है गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकासक, ठीक है, थोड़ा सा मतलब लंबा नाम है. So similarly let's say भुजावल्ली शक्ति विकासक. तो अभी भुजा क्या है ये, तो भुजा का मतलब क्या होता है आपका shoulder, कंधे, ठीक है ना, स्कंद बोलते हैं उसको, स्कंद भी बोलते हैं. ग्रीवा शक्ति विकासक, सो व्हाट इज ग्रीवा, ग्रीवा इज नथिंग बट योर नेक. सो जब आपको ये संस्कृत नेम याद हो जाएंगे, दीज ऑल सूक्ष्म व्यायाम यू कैन इजीली रिमेम्बर, दैट्स ऑल. ग्रीवा का मतलब होता है आपका नेक, स्कंद इज योर शोल्डर. स्कंद हिंदी, हम वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर फ्रॉम इंडिया, वी नो हिंदी, that's why we can easily make out skand, kandha hum aise hi bolte hain, to sanskrit thoda sa relate karta hai. So skand is your shoulder. Kehuni hum bolte na kehuni, so kehuni is your elbow. Manibandh thoda sa different hai, manibandh is your wrist, theek hai, mani wrist, your wrist is your manibandh. Anguli hum ungli bolte hain, so anguli is your fingers. Merudand, this is very important. Yoga mein jitne bhi asan hai na, वो सारे ताप के मेरुदंड के ही इर्द गिर्द घूमते हैं. 99% आसनास विल बी यू नो फोकस्ड ऑन योर स्पाइन. तो योर स्पाइन इज नथिंग बट मेरुदंड, हड्डी बोलते हैं उसको. जांग जंगा इज योर थाइज. जानू ये थोड़ा सा अलग तरीके से चला जाता है, सो आप थोड़ा सा उसको अलग तरीके से ही याद रखेंगे. नी इज योर जानू, नी जिसको बोलते हैं वो जानू है. एंड गुल्फ इज एंकल. थोड़ा नाम, दो जो नाम है वो थोड़ा धीरे धीरे आपको याद होगा, बट यू हैव टू यूज देम इन योर प्रैक्टिस एवरी डे. तो जानू इज योर नी, गुल्फ इज योर एंकल. अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो सूक्ष्म व्यायाम एज पर योगा वॉलंटियर एंड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, नेक मूवमेंट में चार वेरिएशन दिए हैं. ग्रीवा शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक मतलब शक्ति, और विकासक मतलब कि ग्रीवा की कैपेसिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाना, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नेक. ओके, देयर आर फोर वेरिएशंस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग. शायद नेक्स्ट जो लेक्चर सेशन होगा या फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कल एक थियोरी पार्ट और है वो अपन कवर करेंगे. नेक्स्ट इज योर शोल्डर मूवमेंट. शोल्डर में क्या क्या आता है, भुजावल्ली शक्ति विकासक एंड पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक. ट्रंक मूवमेंट इज कटी शक्ति विकासक, इसमें फाइव वेरिएशंस हैव बीन गिवन. नी मूवमेंट इज जानू शक्ति विकासक और जंगा शक्ति विकासक, बोथ आर कमिंग इन नी मूवमेंट. एंकल मूवमेंट को मैंने रेड क्यों किया है, कैन एनीवन टेल मी?
ठीक है कोई बात. पादमूला शक्ति विकासक, देर आर टू आई मीन एंकल मूवमेंट विच इज पादमूला शक्ति विकासक एंड गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकासक. ये मतलब ऐसा नाम ऐसा लग रहा है जैसे हम धमाल मूवी में देखा होगा आपने, वेणुगोपाल अय्यर वाला नाम, ठीक है ना. सो ये पूरा नाम है कुल मिला के. ओके सो ये रेड में इसके लिए किया बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट फॉर योगा वॉलंटियर. योगा वॉलंटियर में जो है वो ऊपर तक ही है, नी मूवमेंट तक ही, एंकल मूवमेंट जो है वो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में और ऐड किया हुआ है, बट देन वी विल बी लर्निंग ऑल टुगेदर. चलो आ जाओ अभी नेक मूवमेंट पे. सो आज के इन टुडे सेशन मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि कैसा क्या होता है, वी विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग, बट नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये प्रैक्टिस करके सीखने वाले हैं. ओके तो फर्स्ट आ जाओ आप ग्रीवा शक्ति विकासक पे, ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है ना. वी विल डू ग्रीवा, वी विल डू शोल्डर, वी विल डू केहुनी योर फ्रंट फॉरवर्ड, वी विल डू एंकल, रिस्ट वाला अगर है तो रिस्ट वाला नहीं दिया गया, वी विल डू कटी, वी विल डू जानू, वी विल डू गुल्फ. ओके वी विल लर्न एडिशनल जो भी सूक्ष्म व्यायाम है वो भी हम सीखने वाले हैं, इवन इफ इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बिकॉज आप पढ़ाने जाओगे तो ऐसा तो नहीं बोलोगे अपने स्टूडेंट को कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ. तो वी लर्न ऑल दीज, प्रैक्टिस में जो भी होगा वो करते रहेंगे आप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी सूक्ष्म व्यायाम आसन करने के लिए, तो वो है योर पोस्चर. सबसे पहला आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो फीट टूगेदर एंड स्टैंड इरेक्ट विथ बैक स्ट्रेट, दोनों पैरों को साथ में रखना है, पूरा स्पाइन सीधा है आपका एंड बैक स्ट्रेट, दिस इज द पोजिशन और पोस्चर यू विल मेक. इसमें ना दो एक्सरसाइज है, रिलैक्सिंग योर नेक, टर्न योर हेड विथ अ जर्क फर्स्ट टूवर्ड्स राइट शोल्डर देन टूवर्ड्स लेफ्ट एंड बिगिनिंग में 10 बार करना है. स्टैंडिंग इरेक्ट जर्क योर हेड फॉरवर्ड देन बैकवर्ड. ओके सो लेट मी शो इट टू यू कैसे होता है ना. ये जर्क जो रेड में मैंने इसके लिए हाईलाइट किया है कि कोई नया स्टूडेंट आपके पास है या कोई सीनियर सिटीजन है उसको जर्क के साथ में नहीं करवाना है, ठीक है. अदरवाइज वो उसको नेक का जॉइंट कहीं इधर उधर ना हो जाए उसका. सो इसमें क्या बोला गया है कि रिलैक्सिंग योर नेक, टर्न योर हेड विद द जर्क फर्स्ट टूवर्ड्स योर राइट शोल्डर. सो लाइक दिस, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए मैंने अपने राइट की तरफ टर्न किया अपना शोल्डर, वापस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ, ठीक है. नाउ व्हेन योर प्रैक्टिशनर्स इज लाइक यू नो प्रैक्टिसिंग विद यू फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, देन यू कैन आस्क हिम कि हाँ इसके फ्लेक्सिबिलिटी का इंप्रूव हो गया, देन यू विल डू दिस. ओके सो दिस इज ग्रीवा शक्ति विकासक. सो जर्क के साथ में आपको टर्निंग टुवर्ड्स योर राइट, टर्निंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. जब जर्क के साथ में करते हो तो आपका फोकस ब्रेथ के ऊपर नहीं रहता है बिकॉज थोड़ा स्पीड में हो जाता है. ओके दैट टाइम यू विल बी फोकसिंग ऑन योर जॉइंट. अदरवाइज व्हेन योर सर ये जब जर्क लेते हैं तो इसमें मतलब सांस का कैसा रहता है, जैसे आपने फ्लो में बताया. हाँ That's what I'm saying, कि जब इस जर्क के साथ में करते हो तो स्पीड में होता है ये, और स्पीड में होता है तो आपको श्वास पे फोकस नहीं होता है, ठीक है. हाँ. तो आपको श्वास तो लेनी है लेकिन योर फोकस इनहेल करना है एक्सहेल करना है उसका कोई फंडा नहीं होगा, मतलब वो नॉर्मल चलेगा. यू विल ओनली बी फोकसिंग ऑन योर जॉइंट, दैट्स ऑल. जॉइंट पे क्या मूवमेंट आ रहा है एंड योर बॉडी विल बी स्टेबल. ऐसा नहीं कि आप इसके साथ में पूरी बॉडी को मूव कर रहे हो, ठीक है. सो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दिस वे यू विल बी डूइंग. इसका जो है दूसरा जो इस सेम ग्रीवा शक्ति विकासक का सेकेंड वेरिएशन जो है वो है अप डाउन. तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें क्या है पता है, तो यू विल डू लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल कम डाउन, इनको स्टर्नम पे टच करने की कोशिश करनी है,
पीछे आपको ये जो बैक पोर्शन है आपका हेड का, वो पीछे टच करने की कोशिश करनी है. इफ इट इज नॉट टचिंग इट्स ओके. ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना आप फ्लेक्सिबल हो, तो उस हिसाब से आपका टच होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते करते आपका जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, वो धीरे धीरे उतना फ्लेक्सिबल होगा प्रैक्टिस करने के साथ साथ में. लेकिन पहले ही दिन आप उनको बोलोगे कि नहीं टच करके दिखाओ मुझे, तो नहीं होगा. सो ऐसे कुछ नहीं करना है किसी को भी, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो करने वाले हैं. फिर जर कैसे करना है, ओके? तो मैंने क्लियरली बता दिया, जर्क के साथ में उनको नहीं करवाना है जो इनिशियल स्टेज पे है, ओके? उनको आपको ब्रीदिंग के साथ में ही प्रैक्टिस करना. आई वुड रेकमेंड कि आप ब्रीदिंग के साथ में ही करवाओ, जर्क के साथ में मत कराओ. दे विल एंजॉय, यू विल एंजॉय, और जो एक्चुअल जो आपका सटल बॉडी के ऊपर जो काम होगा ना, वो इसी के साथ में होगा, जर्क के साथ में नहीं होगा. जर्क के साथ में थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है? एनीवेज यू विल बी आस्किंग देम टू डू आसनास, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे होगा. सो मेक श्योर दैट यू डू इट विथ ब्रीदिंग अवेयरनेस. और उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि एकदम स्लो तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट आ रहा नहीं आ रहा है. आप खुद करके देखोगे तो हम करेंगे ना, हमको पता चलेगा. वी विल नॉट डू विथ जर्क, वी विल डू विथ ब्रीदिंग अवेयरनेस, एंड आपको लगेगा कि मुझे आसन करने की जरूरत ही नहीं है. तो दिस इज योर नेक मूवमेंट. योगा वॉलंटियर के एक दो स्टूडेंट है, उनको तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में, उनके लिए डबल डोज हो रहा है. ओके, नाउ ग्रीवा शक्ति विकासक का थर्ड वेरिएशन. दो वेरिएशन हमने देख लिया. फर्स्ट इज योर बेंड राइट लेफ्ट एंड अप एंड डाउन, ये हो गया. सो दीज आर द स्टार्टिंग वे. अभी थर्ड जो वेरिएशन है ना, वो आपको पहले में नहीं देना है, बिकॉज ये रोटेशन वाला है, नेक रोटेशन है. Feet together, stand direct with back straight. ये posture आपका same रहेगा उसमें. Keep your chin in and rotate the head from left to right. अभी इसमें कैसा है ना कि chin को आपने यहाँ fit कर दिया. Inhale करते हुए आप left की तरफ गए, पीछे पहुंचे, ठीक है, inhale करते हुए, और यहां से आप exhale करते हुए आपके right की तरफ bend हुए और यहां पे पहुंचे. तो हाफ वे आपको इनहेल करना है. हाफ वे वाइल कमिंग आउट यू विल एक्सहेल. ओके, सो नेहा जी आप फिर से करें एक बार. इनहेल करते हुए पीछे गए और एक्सहेल करते हुए. ओके, सो यहां पे आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना. सो देखो, आपने इनहेल करते हुए यहां पे आ गए और यहां से आपको वैसे ही पीछे पीछे होते हुए आपको आ गया. ओके, राइट. सो ये देखो, ये फीस्ट है, ठीक है. ये फीस्ट को मैंने, जैसे ये आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन को इधर झुकाई, फिर आपकी पीछे ली, पीछे लेते 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 मैंने पूरा रोटेट कर रहा हूँ, पूरा रोटेट करते 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 मैंने आगे लेके आ गया, ठीक है. ब्रीदिंग अवेयरनेस पे ध्यान रखना है आपको. ब्रीदिंग में आपका क्या रहेगा, जब आप जा रहे हो ना पीछे की तरफ, तो आपका यहां से इनहेल और एक्सहेल. शोल्डर को आप नहीं करना है, शोल्डर जहां पे रहेंगे वहीं, ये गर्दन के ऊपर फोकस रखना है आपको. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, डिजीनेस है, उसको नहीं करवाना है, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आस्क, किसी को वर्टिगो का इश्यूज तो नहीं है, बिकॉज इसमें अधिकतर चक्कर आ जाते लोगों जिनको इश्यू है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 राउंड के बाद, मतलब एक या दो के बाद किसी को तीसरा कराओ तो मेरे लिए चक्कर आना शुरू हो जाता है. हाँ, दैट्स व्हाई जो मतलब ज्यादा मतलब है ना ऐसा प्रॉब्लमेटिक वाला, उनको नेक मूवमेंट में देखो तीन वेरिएशन दिए है ना इसके लिए. तो ताकि नेक का अगर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उनको राइट मूवमेंट वाला और अप डाउन वाला आप करवा दो इनिशियली. सर्वाइकल वालों को ठीक रहता है, सर्वाइकल वालों को काफी अच्छी पोजीशन है. जो ऑफिस गोअर है, जो ऑफिस में जाते हैं, जिनको ऑफिस के काम है, टेबल डेस्क पे बैठ के काम करना होता है, उनके लिए काफी अच्छा है, बिकॉज उनकी गर्दन जो है ना
हमेशा फॉरवर्ड बेंडेड ही होती है। और एक चीज तो मैं बता दूं कि ये सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आजकल तो सारे ऑफिस कल्चर वाले हो गए, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में रहता है, तो 24 घंटे में से मेरे को लग रहा है कि 8 घंटा सोने का निकाल दो और बाकी 2-4 घंटा इधर उधर निकालो, 10-12 घंटा तो उनका गर्दन नीचे ही होता है। और जितना आगे फॉरवर्ड बेंड होता है ना, उतना आपको सर्वाइकल का इश्यू होता ही होता है। ठीक है, सो ये एक है कि आप सभी को ये करने की जरूरत है, बिकॉज नेक इज मोर इम्पोर्टेंट। या फिर हो सके तो मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर लेके ऐसा किया करो। और दूसरी चीज, डोंट यूज पिलो बिहाइंड योर हेड, ठीक है ना। पिलो को आप एक जो राउंड पिलो आता है ना, उसको आपके गर्दन पे यहाँ पे लगाने की जरूरत है, तो उस नेक को सपोर्ट चाहिए, ना कि आपके हेड को। हेड को आप ऊपर करते हो तो आपका वापस एक रात भर आपका जो बेंड है ना वो फॉरवर्ड हुआ रहता है। दैट इज नॉट द राइट वे। चलो, ये एक और वेरिएशन है ग्रीवा का, विच वी विल बी इनहेल एक्सहेल थ्रू द नोज। कितना मस्त, एकदम सूक्ष्म शरीर के ऊपर, जब मैं बोला ना सटल बॉडी के ऊपर, तो ये देखो ये सूक्ष्म व्यायाम है। सो इनहेल जब कर रहे हो ना आप, तो आपके जो वेन है ना, मेकिंग द वेन्स ऑफ योर नेक एंड स्टैंड इनहेलिंग आउट योर स्टमक व्हाइल इनहेलिंग। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू द नोज, मेकिंग द वेन ऑफ योर नेक स्टैंड आउट। ओके, ब्लो आउट योर स्टमक व्हाइल इनहेलिंग, ड्रॉ इट इन व्हाइल एक्सहेलिंग। ओके, 25 टाइम्स। कुछ नहीं, ये उदय प्राणायाम जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बाद में, वैसा है कि जब आप इनहेल करते हो आपका ऑब्वियसली पेट बाहर आता है, एक्सहेल करते हो स्टमक गोज इन। ओके, बट ये जो वेन है ना आपकी, जो ट्राकिया नली है ना जिसमें श्वास जाती है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लो होती है। एंड योर नेजल जो यहाँ पे है ना, ये अभी ये तो आपको फील नहीं होगी, बट यू कैन फील दैट एयर गोइंग इन। जब आप श्वास लेते हो तो आपका एक तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको एक फीलिंग आता है कि यू आर टेकिंग दैट एयर इनसाइड। कैन यू हियर द वॉइस? मैं बताता हूं आपको, ठीक है, तो ये गले की आवाज है। जब एयर को अंदर लेते हैं ना, तो वो ग्रसन करते हुए ट्राकिया को अंदर की तरफ जाती है, और जब आप एयर बाहर छोड़ते हो तो वो आपका यहां से टच होते हुए ऊपर की तरफ बाहर निकलती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसमें उज्जयी प्राणायाम जब आप करोगे ना, तो यू इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू लर्न दिस फोर्थ ग्रीवा शक्ति विकास। तो नाक से साउंड आ रही है, नाक से साउंड आ रही है ना, आप नाक से ले रहे हो, ठीक है, नाक की जगह पे आप यहाँ से खींचना शुरू करो। ये वाली साउंड निकालो। सर ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा रहता है शायद। हाँ, आवाज तो निकालो जरा। एग्जैक्टली, ये कौन निकाल रहा है आवाज? कविता जी, वेरी गुड। तो आपको गले से आवाज निकालनी है, जैसी भी आवाज निकले, डोंट वरी। वेरी गुड, अनुराग जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो ये मतलब आपके गले के लिए काफी अच्छी होती है, थ्रॉट के लिए आप, ये टॉन्सिल का जो इशू है, फेरिंग, ये जो यहाँ पे फेरिंगस और लेरिंगस होता है उनके लिए मतलब काफी अच्छा है। वॉइस आपके रेजोनेंट हो जाती है, मतलब वॉइस और स्पीच आपकी एकदम लाउड आप बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, ठीक है। सिंगर्स को जो है ना जनरली ये वाला जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आपको करवाना चाहिए उनको, जो मतलब दे कैन सिंग वेरी वेल। कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन या आपके गर्दन गले में जो कफ है ना उसको निकालने के लिए भी इट इज हेल्पफुल। नाउ ऑल फोर वेरिएशंस ऑफ ग्रीवा शक्ति विकासक वी हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड यू ऑल हैव, आई मीन थोड़ा एक आइडिया आ गया है ग्रीवा शक्ति विकासक क्या होता है। ग्रीवा इज योर नेक, ओके, एंड शक्ति मतलब की उसका जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहे,
First is your left to right, right to left. ठीक है? And second is up and down. Third is rotating. And fourth is inhale and exhale. ये चार variation है. Now let's go to Bhuja Valli Shakti Vikasak. Bhuja is your shoulder. Feet together and stand erect. इसमें भी आपको सीधा आपको रहना है. अभी एक चीज और है. In case कोई बंदा है जो खड़े नहीं रह सकता, ज्यादा ही सीनियर है, ठीक है, तो उनको बिठा के करवा सकते हो. ऐसा कोई लॉ नहीं है योगा में कि आपको जैसे लिख के दिया वैसे ही आपको करवाना है. ठीक है, यू कैन ट्वीक बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो. ऐसा नहीं धीरेन्द्र ब्रह्मचर्य ने बोला है मुझे ऐसे खड़े रह के करना है तो आप बैठ के नहीं कर सकते हो. स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोल सकते आप. ठीक है, सो स्टैंड फीट टुगेदर, स्टैंड इरेक्ट एंड आर्म बाय द साइड. सो आपके जो हाथ है ना वो दोनों साइड में, आर्म फेसिंग योर थाइज. ठीक है, यहाँ पे आपको धीरेन्द्र ब्रह्मचर्य का फोटो में ही दिख रहा है कैसे खड़े है वो. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज वन. सबसे पहला क्या है, बिगिन विथ योर राइट आर्म. Okay, let it hang relaxed, then raise it sideways above your head with the palm outward. This is very important. Palm outward. यहाँ पे है ना, जब मैं अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, अभी तो हम कर नहीं रहे, but still I would like to show, जब मेरा हाथ, मेरे हाथ जो है ना वो facing my thighs. Okay, and then जब मैं हाथ ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे जो palm है ना वो देखो फेसिंग आउटवर्ड. इट इज नॉट कि आपने टर्न कर दिया अपने पाम को अंदर, अंदर की तरफ. पाम जो है ना दोनों हथेलियां वो बाहर की तरफ ही फेस करती रहेगी. दिस इज द पोजिशन. मैं बताता हूं, दिख रहा है नहीं? ओके, एनीवेज रुको, नहीं ऐसे नहीं नेहा जी, पाम फेसिंग आउटवर्ड. मैं बताता हूं आपको, इनहेल करते हुए जब हाथ ऊपर लेके जाओगे ना आप, तो आपका हाथ जो है वो बाहर की तरफ ही फेस कर रहा है. ठीक है, ऐसे टर्न नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वे यू विल गो और ऐसे ही वापस नीचे आएगा. वेरी गुड. ठीक है, हाँ पाम अभी मैं आपके आउटवर्ड ही है. यस, सीधे रखो उंगलियां साथ में. हाँ, अभी हाथ कैसे सीधा रखता है, या इसमें आपको कोई एंगल दिख रहा है? मेरा अंगूठा दिख रहा है? नहीं, तो आपका अंगूठा दिखना नहीं चाहिए. मतलब कि आपकी जो छोटी वाली फिंगर है वो दिखनी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट होंगे. हाँ परफेक्ट, गुड. ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सिमिलरली आपको राइट हैंड अप व्हेन इनहेलिंग, आपको इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है. ऐसा नहीं है कि आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस नहीं रखोगे. इट हैज टू बी फोकस्ड, योर फोकस हैज टू बी ऑन योर ब्रीदिंग. ओके, okay, so this was exercise one. Now you will repeat this with your left hand, and doing it with both hand is your third exercise of Bhuja Valli Shakti Vikasak, third Sukshma Vyayam of Bhuja Valli Shakti Vikasak. जब हाथ ऊपर लेके जाएंगे ना, you will inhale. जब हाथ नीचे लेके आएंगे, you will exhale. और जब हाथ है ना, दोनों arms जो है वो आपके कान को touch होते हैं, मतलब touch नहीं करने हैं, but वो length में रहेंगे, ना आगे ना पीछे. ओके, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ये सब, डोंट वरी.
पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, ये अपना एक कार्डियो एक्सरसाइज बोल सकते हो आप, सूक्ष्म व्यायाम बोल सकते हो। इसमें आपको है ना जो हाथ है जो थंब उसका फीस्ट बनाना है ऐसा, ठीक है, फीस्ट बना लिया एंड स्टैंड इरेक्ट एंड हैंड्स क्लेंज्ड इन फीस्ट विद द थंब्स टक्ड इन, ठीक है, फीट टुगेदर, ये आपकी स्टार्टिंग पोजिशन हो गई। कि ये जो धीरेन्द्र ब्रह्मचर्य है इनका हाथ अगर आप सीधा अज्यूम करोगे तो कैसा रहेगा, ये फीस्ट के साथ में यहाँ पे रहेगा आपका थाइज को फेस करते हुए। नाउ इनहेल थ्रू द नोज, होल्ड योर ब्रेथ एंड स्विंग योर राइट आर्म फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब कैसा है ना, मैंने क्या किया, फीस्ट बनाई, ठीक है, अपना हाथ साइड में रख लिया एक राइट हैंड, ठीक है, मैंने इनहेल किया, होल्ड एंड यू विल रोटेट योर हैंड राइट टू लेफ्ट पूरा, ठीक है, कान के पास से ले जाके, एंड देन व्हेन यू वांट टू एक्सहेल यू विल कंप्लीटली अपने मुंह से हाथ को आगे ले जाते हुए करके आप एक्सहेल करने वाले, ठीक है। अभी खाली मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, और इसका प्रैक्टिस करने के टाइम पे जो वीडियो सेटअप है वो काफी क्लियर रहेगा कि आप पूरा का पूरा मुझे देख पाओगे, यू कैन डू इट। हाँ मिया जी आपने सही किया ये, तो ये आपको स्टैंडिंग में आपको करना है, तो राइट से लेफ्ट किया, फिर लेफ्ट टू राइट करने के टाइम पे जैसे ही आपको लगता है कि अब मुझे श्वास छोड़ना है, आपको सामने हाथ ले जाके हाथ के जो फीस्ट है उसको करके खोल के आपको हाथ को ओपन करना है। तो दिस इज पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक। फिर आपको लेफ्ट हैंड से भी सेम एक्सरसाइज ये करना है, रोटेट करना है एंड देन रिलीज योर हैंड। सो जब आप रोटेट कर रहे हो ना उस टाइम पे आपके अंदर श्वास भरी हुई, ओके, एंड जैसे ही आपको छोड़नी है श्वास आपके हाथ को सीधा करके, एंड थर्ड इज दोनों हाथ से सीधा एंड देन उल्टा, ये करने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग इतना इंप्रूव हो जाता है ना कि आपको खुद को लगेगा कि साला क्या मतलब जबरदस्त सूक्ष्म व्यायाम है पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। थोड़ा मैं पहले ही बोल दूंगा कि थोड़ा खाना वाना जो है वो जल्दी खा लेना, सो दैट यू डोंट हैव एनी ट्रबल डूइंग इट। पीआर्स गैप होना चाहिए ना कम से कम। हाँ 2 घंटा ठीक है, अभी सब ये बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव वो मॉडर्न वर्ल्ड के योगी है तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट 2 घंटा तो आप खाली रखो पेट। और खाली ऐसा नहीं है मतलब छोटा मोटा कुछ खा लिया तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करते तो हमारा पेट एकदम एम्प्टी होना चाहिए, बट इट इज गुड दैट इफ यू आर एम्प्टी स्टमक, कुछ चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया हल्का फुल्का तो इट इज फाइन। अब आ गए हम कटी शक्ति विकासक। तो कटी शक्ति विकासक का एक वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन पोस्चर 1, अगेन योर फीट टूगेदर, ओके, मेक अ फीस्ट, ओके, ऐसा फीस्ट बनाना है आपको, मैं आपको कैमरे में बताता हूँ, ये फीस्ट बना लिया उसको आपने आपने यहां से होल्ड कर लिया, ओके, सो दिस इज द पोस्चर विच यू विल कीप इन योर ऑन द बैक साइड ऐसे चेस्ट आउट, और इनहेल करते हुए यू विल गो बैकवर्ड विदाउट बेंडिंग योर नीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेल करते हुए बैकवर्ड जाना है, गर्दन को पीछे डाल दिया फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, एंड एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड, ट्राई एंड टच योर नी, ठीक है, नहीं हो रहा है इट्स ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू, हैंड्स का जो मूवमेंट है वो कहीं नहीं होगा, बैक ही होगा, ठीक है, फिंगर्स पीछे रहते हैं आई थिंक और सिर्फ थंब आगे रहता है, ये कहां पे, ये जब आप पीछे जाएंगे तो हैंड्स ऐसे लेके जाना रहता है ना, हाँ, तो ये फिंगर्स आगे रहती है ऐसे या फिंगर्स नहीं रखना है अपने को, कटी शक्ति विकासक में आपको मैंने बोला ना ये फीस्ट बनानी है ऐसे, ये देखो ये वाली पोजीशन जो है ना वो आपके बैक साइड में ऐसे होगी, ओके, एंड देन यू विल गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओके फाइन। तो दिस इज कॉल्ड कटी शक्ति विकासक, ब्रेथ डीपली थ्रू द नोज व्हाइल बेंडिंग बैकवर्ड एज फार एज यू कैन, मेंटेन दिस पोस्चर फॉर अ फ्यू मोमेंट, वहां पे होल्ड करना है, देन व्हाइल एक्सहेलिंग बेंड फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टच योर नीज विथ योर हेड, इनिशियली शायद फॉरवर्ड बेंडिंग में किसी का नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, बट दैट शुड बी अवर गोल सो दैट द फ्लेक्सिबिलिटी गोज ऑन अ हायर स्टेट। पहले बार में से ये देखो, रिपीट दिस ऑपरेशन सेवरल टाइम्स, 5 टाइम्स टू बिगिन विथ, 5 बार तो हमें करना ही है,
तो बी रेडी फॉर सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम में हमारा मतलब काफी अच्छा मूवमेंट होने वाला. नाउ प्रति शक्ति विकासक का वेरिएशन टू, वेरिएशन टू सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू बट विथ अ स्प्रेड लेग. आपको अपने पूरे जो लेग है पैरों को फैला देना है एज पर योर कैपेसिटी. ओके, you can go maintain this posture for some time. So it's same like variation one, but isme na feet together hai. The other one has feet spread, jo hai pairo ko phaila ke rakha hua hai. All right, we'll go to next. Prati shakti vikasak variation three. Isme kya hai na, to first variation hai wahi hai ye wala, but yo yahan pe feet nahi bana ke you are just you know opening your hands. जब आगे की तरफ forward करते हो तो आपके hands जो है वो पीछे रहेंगे ऐसे. ये वाले हाथ आपने रखे ना, तो आप जब backward bend कर रहे हो तो आपके हाथ जो है ना वो हाथ नीचे ही रहेंगे जहाँ पे है वहीं पे, और पीछे की तरफ जाओगे तो भी हाथ वहीं पे रहेंगे. मतलब आपके जो shoulder, ये जो hands है ना इसका movement नहीं होगा. You are only bending forward and you are only bending backward. That's all. ठीक है, हम करेंगे इसको भी करने वाले हैं. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द वेरिएशन. ओके, दिस इज योर कटी शक्ति विकासक का वेरिएशन फोर. कटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, आपके मेरुदंड के ऊपर, आपके स्पाइन के ऊपर. आसन के का भी कटी शक्ति पे ज्यादा फोकस्ड है और इसका भी कटी पे है. पांच छह वेरिएशन दे दिया है इन्होंने. ओके, अब इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को फैला देना है हवा में. ओके, एंड नाउ बेंड, give a lateral bend, मतलब कि bending towards your right and towards your left, but हाथों को नहीं झुकाना है. हाथ जो है ना सीधे आपको बेंड देना है खाली. हाथ का पोजीशन सेम रहेगा जहां पे भी जाते. जैसे कि आपने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है ना, एरोप्लेन जैसा उड़ता है ना वैसा ही आपको अपना पोजीशन रखना है. That's all. एक पक्षी देख लो आप, पक्षी जैसे उड़ता है ना वैसा आप, उसके जो पंख है वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एंड ही इज गोइंग अप एंड डाउन. तो कटी शक्ति विकासक में सबसे पहले क्या है, फीस्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड. ओके, फीस्ट स्प्रेडिंग योर लेग बैकवर्ड फॉरवर्ड. थर्ड, रिमूव योर फीस्ट फेसिंग आउटवर्ड हैंड्स को, ठीक है, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड. एंड फोर्थ वेरिएशन इज योर साइड बेंड, लेटरल बेंड बोलेंगे इसको आपको स्पाइन का, लाइक योर एरोप्लेन. पांचवा है ट्विस्टिंग ऑफ योर स्पाइन. कटी शक्ति विकासक का फिफ्थ वेरिएशन ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग इज नथिंग बट सामने हाथ दिया और टर्निंग टुवर्ड्स योर राइट, टर्निंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट. जितना आप जा सकते हो उतना जाना है. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने लेके जाना है. एक्सहेल एंड गो टुवर्ड्स योर राइट. इनहेल, कम बैक, एक्सहेल एंड गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट. तो आपको मैंने ब्रीदिंग का पैटर्न बताया वो ध्यान में रखना है. शायद मैंने इधर एक्सप्लेन नहीं किया आपको. ओके, तो यहाँ पे स्प्रेड योर हैंड्स, इनहेल and go down, exhale. वापस ऊपर आओ, inhale, go down, exhale. ये pattern जो है मैं आसन वाला जो PPT लूँगा उसमें आपको clear कर दूँगा. Inhale हमेशा straight position में लेना है मेरी. ऊपर आने के time में inhale करना है, ठीक है? हाथों को spread किया तो, और exhale करते हुए नीचे जाना. Twist में भी हाथों को ऊपर लिया, सामने लिया, जैसे तो inhale कर दिया, ठीक है? And then go towards your right or left. बैकवर्ड बेंड होता है ना कोई भी आसन में, आप जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हो ना आपको इनहेल ही करना है. और कोई भी आसन में आप अगर फॉरवर्ड बेंड हो रहा है ना आपका स्पाइन, तो आपको एक्सहेल करना है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी आसन, ठीक है? सिमिलरली ट्विस्टिंग और लेटरल बेंड में भी आपको एक्सहेल करना है. देन गोइंग इनटू ट्विस्टिंग और लेटरल गिविंग अ लेटरल बेंड, आपको एक्सहेल करना है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है. जब स्पाइन को आप स्ट्रेच कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, जैसे ताड़ासन करते हो, स्ट्रेच में आपका इनहेल होता है, खींच रहे हो आप स्पाइन को. सो दीज आर द फाइव थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन द प्रेजेंटेशन ऑफ आसनास, जो कि आपको समझ लेना है कि when you have to inhale, when you have to exhale. चलो हो गया है अपना almost time and I'm done also. ये मतलब 5-7 मिनट और खींचूंगा इसको. ये हो गया अपना 21.
नी मूवमेंट का कुछ नहीं है. नी मूवमेंट इज कॉल्ड मतलब जानु शक्ति विकासक में यू हैव टू रेज योर लेग, ठीक है, फीट टुगेदर एंड स्टैंड इरेक्ट, रेज योर फुट फॉरवर्ड विद अ जर्क ऑफ द नी एंड देन रेज इट बैकवर्ड. सो ये इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम लोग करेंगे. इसने पैर उठाया, स्वामी ब्रह्मचारी ने पैर उठाया है और जर्क के साथ में है ना, ये आपका जो एंकल है ना, एंकल को इन्होंने बटक पे मारा है, मतलब पीछे की तरफ मूव करते हैं. ये पिक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सो व्हेन यू रेज योर लेग एंड पुश इट बिहाइंड, ओके, रेज एंड पुश इट बिहाइंड, दिस इज व्हाट इज जानु शक्ति विकास का. हम लोग करेंगे ये वाला. एंड पादमूला शक्ति विकासक, इसमें कुछ नहीं है, आपके टोस पे खड़े होना है आप, ठीक है, इनहेल करते हुए आपको टोस पे आना है, एक्सहेल करते हुए गो डाउन, इनहेल करते हुए टोस पे आना है, एक्सहेल करते हुए गो डाउन, ओके. ये ताड़ासन में भी टो पे आते हैं ना शायद, ताड़ासन में भी टो पे आते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना. सो जो मेन ताड़ासन करते हैं उसके अंदर टोस पे आते हैं. अब सेकेंड वेरिएशन पादमूला शक्ति विकासक का क्या है, कि टोस पे आ जाओ एंड जम्प, जितना हाई जंप कर सकते हो उतना आपको जंप करना है, दैट इज कॉल्ड पादमूला शक्ति विकास का. वी विल बी प्रैक्टिसिंग एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन इन दैट प्रैक्टिस सेशन. गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकास का, ओके, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं है. यू हैव टू जस्ट रोटेट योर एंकल, सो एंकल मूवमेंट को रोटेट करना है, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे आना है. ये देखो सर्कल बना के रखा है आप, सो यू आर जस्ट रोटेटिंग एंड गिविंग अ सर्कल टू योर टोज एंड रिवर्स करना है इसको, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू इन गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकास. एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये करके दिखाओ, गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकास, यू हैव टू रिमेम्बर कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड. और योगा फील्ड में हो आप, यू शुड रिमेम्बर कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे ये चीजें, मतलब ये नाम है उस नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये नाम ज्यादा प्रोनाउंस करोगे तो यू मतलब थोड़ा सा ज्यादा योगिक वे जो है वो लगेगा आपका, एंड दैट इज व्हाई इट इज रेकमेंडेड दैट यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ ऑल द, एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ग्रीवा है तो ग्रीवा शक्ति विकासक, शोल्डर है तो आपका भुजावल्ली शक्ति विकासक या पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, सिमिलरली लाइक दिस. अभी योगा वॉलंटियर के लिए ये नहीं है, इफ दे वॉन्ट टू लीव they can leave, if they want to stay they can stay, do teen slide jo aur hai abhi, do se teen slide they want to stay they can do that as well. isko bolte hain sthula vyayam, pehla tha sukshma vyayam, micro management tha aapka, micro circulation, ab ye ho gaya macro circulation, thoda sa matlab aapka cardio bolte hain na, cardio exercise, usko bataya gaya hai isme. पटक से इसको मैं रीड आउट करूंगा, द मैक्रो योगा एक्सरसाइजेस बेनिफिट ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ योर From head to waist. Similarly, the macro, micro में तो head to waist हो गया. Macro exercise stimulates and benefit all the organs and the part from abdomen down to toes. तो आपके abdomen से toes तक को ये benefit करता है. Each macro exercise pertaining to different part of the body has to be repeated 5-10 times with full awareness. All exercises that are done on one side should be done on the other side. ये तो मतलब concept abnormal है. अभी ये देख लो आपको, ये स्थूल व्यायाम में सबसे पहला है रिद्ध गति. रिद्ध गति में कुछ नहीं है, एक इंजन कैसे चलता है वैसे, मतलब द नेम इज आल्सो स्टेटिंग लाइक दिस. सो आपको जब मतलब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इंजन दौड़ भी बोलते हैं ना, बस इंजन वाला, इंजन दौड़, एग्जैक्टली, ठीक है. तो जब आप जो हाथ आपका सामने जा रहा है, पैर नीचे हो रहा है, दो पैर ऊपर आ रहा है, आप फोल्ड हो रहा है, वो पैर आपका फोल्ड हो रहा है, एंड पीछे की तरफ मारना है आपको पैर को. ये भाई साहब ने जो पैर को 90 डिग्री में करके रखा है वो पीछे की तरफ जाएगा, मटक को लगेगा, ओके, दिस इज इंजन दौड़, रिद्ध गति, ठीक है. ये भी हम परफॉर्म करने वाले. इसमें ना इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जीक्यूट 3 times टुगेदर, जंप एंड हिट द राइट हील ऑन द बट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है ना, जंप एंड hit the right heel on the butt. मतलब थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जब जाना शुरू कर दोगे तो आपको आपको उसमें मतलब की जगह पे ही आप दौड़ रहे, ओके, सो यू आर हिटिंग योर हील ऑन द बटक, ओके. मैं दिखाता हूं आपको एक बार, अभी
अभी दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं आपको? हाँ हाँ करके दिखाओ ना। ये पोजीशन ऐसा रहता है। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। ये ऐसे ही करना है, इनहेल करते हैं ना तो साउंड आता है। हाँ सो इनहेल आपका पैसिव होता है, एक्सहेल आप झटके से करते हो। जब इनहेल करते एक्सहेल करते हो तो आपका ऑटोमेटिक इनहेल हो ही जाता है, ठीक है। और एक्सटेंड राइट हैंड स्ट्रेट एट शोल्डर लेवल लाइक थ्रोइंग अ पंच। तो मैंने बोला ना किसी को पंच मार रहे हो वैसे, पल्स simultaneously bringing the right elbow by the chest. So, दूसरा वाला जो elbow है वो chest के यहाँ पे लेके आ रहे हो। Throw a complete breath out forcefully. This is important and fast, like a switch. Okay? Of the steam engine. Inhale fast immediately. जब आप exhale करोगे तो inhale भी करोगे, और इसमें आपको नाक से श्वास लेने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह से ही छोड़ना है, मुंह से ही आपको इमीडिएट टैप लेना, तो मुंह से ही ले सकते हो। जब नाक से श्वास लेना शुरू कर दिया आपने, मतलब इतने स्पीड में, तो आपको क्या कहना। ओके सो दैट वाज रिद गति। नाउ लास्ट स्थूल व्यायाम एंड सूक्ष्म व्यायाम का टॉपिक है, और आज का टॉपिक है विच इज सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि में क्या करना है आपको, अगेन आपको जो फीस्ट का जो यहाँ से मैं बनवाया था ना प्रति शक्ति विकासक में, वो नहीं करके आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है, ठीक है, ऐसे। ओके एंड इनहेल करते हुए बैकवर्ड और साइड में आपको अपने जो थर्ड पिक्चर सेकंड पिक्चर है उसमें देखो आप, ही इज ट्राइंग टू टच द फीट। ओके और वहां पे आपको चेंज करना है, चेंज इन द सेंस ये ऐसा है ना, तो आपको उल्टा करना है, देन कम बैक same way you come back, go backward and go towards the fourth picture में आप देख लो left में। मैं करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, but I am just you know आपकी information के लिए sorry आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूँ। बाकी हम video setup के साथ में अच्छे से करने वाले with proper explanation कि कब inhale करना है। balancing में आता है, balancing नहीं हो पाती जब आप एक पैर बाहर की साइड निकालते हो ना, तो मैं तो बार बार गिर जाती हूँ थोड़ा। नहीं तो आपको बाहर नहीं निकालना है ना पैर, ये जिस साइड झुकते हैं तो वो थोड़ा बाहर रहता है ना फिंगर्स। नहीं आपको वैसे ही रखना है जैसे होता है पैर आपका, थोड़ा सा ऐसे रहता है, ट्विस्ट होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हाँ तो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके करना है, सो दैट यू कैन मेक बैलेंस, ठीक है, और वो हो जाएगा। We will do that. तो इसमें मैं explain करूँ आपको या I think this is not required. ये picture से हमको समझ में आ गया, and when we are going to practice, you will understand it even better. Thank you so much, everyone. I think we are done. सब अपने कैमरे शुरू कर दे या रिद गति कर रहे हो, ठीक है, चलो good. आंखें बंद, कान भी सुन। Okay, close your eyes. Spine सीधी रहेगी आपकी, नमस्कार की मुद्रा। श्वास के ऊपर ध्यान। श्वास के ऊपर जो हमारा ध्यान है वो दिन में कम से कम 5 times you should realize that your focus is back on your breath. That is the ultimate goal of our life, that our focus is always on our breath. Just focus on the eyebrow center. Three times you will deep breath in, inhale and exhale it completely and slowly. So exercise. Now
Now we will chant Om for 3 times. Inhale. Om Chambakam. फिर से इनहेल करेंगे वन मोर टाइम Rub your palm. इसका गरम कर देनी है हथेलियां. Up your eyes. Slowly blink your eyes inside. Now close your eyes and give a gentle massage to your face. Come back to Namaskar Mudra. With a smile on your face, you will open your eyes slowly. Namaskaram. Thank you for joining this session. Chalo, hum abhi practice karenge Monday ko. Okay? Bye, everyone. Take care. Sir, class nahi rahegi. Bye, sir. Bye.